अगर इसे गहरी चोट आ जाती तो लेने के देने पड़ जाते। और तू भूल गया कल यूवी ने क्या किया था चेरी के साथ? उस पर हाथ उठाया था, तूने खुद देखा था, तू खुद वहां था ना? अरे बेबे वो तो गलती से किया था, वो तो बच्चा। सुरजीते गलती से हो गया, बच्चा है, शरारती है, माफ कर दो। ये बोल बोल कर हम सच को नहीं झुटला सकते। और सच ये है कि यूवी के दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे पागल खाने के अस्पताल भेजना होगा ठीक से इलाज करने के लिए। बेबे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही, यूवी को पागल खाने भेजना ही होगा। यूवी की वजह से मैं पूरे खानदान को खतरे में नहीं डाल सकती, यूवी को अस्पताल भेजना ही होगा। बेबे प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूँ 24 घंटे में यूवी के साथ रहूंगा, उसे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्लीज उसे यहाँ रहने दीजिए। बस कुंज, अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली, समझ गया? तू मुझे जवाब दे, जब यूवी ने तेरे बिस्तर पर आग लगाई थी तब तू कहाँ था? जब उसने तेरी बोटी को चोट पहुंचाई थी तब तू कहाँ था? अरे यूवी पर 24 घंटे नजर क्यों रखेगा, अपनी शादी पर ध्यान दे। नई नई शादी हुई तेरी, नई नवेली दुल्हन है तेरे सामने, यूवी के लिए क्यों परेशान हो रहा है तू? इसलिए परेशान हो रहा है ना, तुझे लगता है यूवी की जो हालत है उसका जिम्मेदार तू है? बिल्कुल नहीं, जो भी तूने यूवी के साथ किया बिल्कुल सही किया, और आज जो मैं करने जा रही हूँ बिल्कुल सही कर रही। बेबे मैंने फोन कर दिया, बस कुछ ही देर में वो आते ही होंगे। शाबाश, यूवी का वो पागलपन का ड्रामा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ट्विंकल को उसकी अतीत की परछाइयों से कैसे बाहर निकालूं? ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मेरे हाथ बांध दिए हों। मैं चाह कर भी अपने कुड़ी के वास्ते कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। आंटी आप टेंशन क्यों ले रही है? ट्विंकल आपकी बेटी है, वो ना डर के चुप रहने वालों में से है और ना ही कोई गलत बात सहने वालों में से। आप देखना वो अपने ससुराल में सब ठीक कर लेगी, सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर देगी, आप बस चिल करो। हाँ पुत्र वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चिंता है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही, कहीं सबका असर उसके शादी पर ना पड़ जाए। माना कुंज एक चंगा लड़का है, लेकिन है तो वो इंसान ही ना, कब तक बर्दाश्त करेगा? और मैं किसी भी कीमत पर ट्विंकल की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। बहुत खतरनाक पागल है, घर में सबको मारते पीटते रहता है। तू चुप कर। यूवी पुत्र, यूवी पुत्र, कुंज वो तेरी बात जरूर मानेगा, तो कोशिश करके देखना वरना दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, यूवी डर जाएगा। जी। आजा। यूवी अपने दोस्त की बात नहीं मानेगा, प्लीज दरवाजा खोल, देख डॉक्टर तुझे ले जाने आए। वो ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, डर के मारे अंदर छुपा हुआ है। मैं बोलता हूँ कि दरवाजा तोड़ दिया जाए। ओए कुंज तू पीछे हट। बजरंग बली, यूवी गुड बॉय है, यूवी बैड बॉय नहीं है, यूवी ने ट्विंकी को नहीं मारा। यूवी देखो मैं दोस्त, प्लीज मुझे पागल खाने मत भेजो, प्लीज इन्हें समझाओ ना, प्लीज पागल खाने ना भेजे, यूवी सॉरी। ओए पागल ये ड्रामा बंद कर, तेरा समय समाप्त हो गया अब है। देखो इसे पागल मत कहो। ओए इस पागल को पागल ना कहूं तो क्या शाहरुख खान कहूं है? संभाल के, बहुत खतरनाक है ये। पकड़ो इस पागल को। आखिर यूवी करना क्या चाहता है? पकड़ो इस पागल को। अरे जाने मत देना, पकड़ो। अरे वहां से पकड़ो यूवी, ऐसे मत भाग, चोट लग जाएगी। अरे डॉक्टर साहब कुछ मदद कर रहे हो, खड़े खड़े देख रहे हो, पकड़ो इसको। तेरी भी आराम से उसे लगे ना प्लीज। ओए रुक, ओए पागल किधर जा रहा है, रुको। ओए डॉक्टर साहब पकड़ लो। नहीं जाना। आप पकड़ा गया। तेरी बीवी ने बेबे के कान भरे उनसे झूठ बोला, सिर्फ इसलिए ताकि वो अनीता का यहाँ ना होने का फायदा उठा सके, यूवी को पागल खाने भिजवा कर अपना बदला ले सके। सब उसकी चाल है। ताऊ जी आप गलत समझे, ट्विंकल ऐसा कभी भी जानबूझकर नहीं करेगी।
बस कर, बस कर कुंज, जो होना था वो तो हो चुका। पता नहीं अनीता के दिल पर क्या बीतेगी जब उसे यह पता चलेगा कि उसके बेटे को यहाँ से खींच कर लेकर गए वो लोग। ताऊ जी, मैं जानता हूँ आपको इस बात से बहुत चोट पहुंची, पर मैं आपसे वादा करता हूँ यूवी को बहुत जल्द मैं वापस घर ले आऊंगा। बस कुंज, हम पे और एहसान मत करना, यूवी को तो मैं खुद वापस ले आऊंगा। बस